एससी एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में जहां देश भर में दलित समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है, वहीं फिलौर में भी आज सुबह से पूर्ण रूप से मुकम्मल बंद रहा। अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने रोष मार्च निकाला व मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हजारों की संख्या में समुदाय के लोगों ने रोष मार्च निकालते हुए एसडीएम दफ्तर में इसका समापन किया तथा वहां पर फ्लोर के एसडीएम को एक मांग पत्र भी सौंपा। आरएसएस से जो सेंटर की सरकार बीजेपी बनो, दलितों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है, जो उन्होंने पिछले कुछ दिन पहला ही एससी एसटी एक्ट के विच बदलाव करके बहुजन समाज को दलितों को दुख पहुंचाया है। असी उसके रोस वजो इतने भुख हड़ताल से बैठे हाँ और मैं बीजेपी सरकार को दस देना चाहता कि अज तो असी भुख हड़ताल से बैठे हाँ, जेकर एससी एसटी एक्ट के बहुत जल्द पहला की तरह ही एससी एसटी एक्ट बहाल ना किया गया तो असी मरण वरते बैठने तैयार हाँ। जय भीम। समाज पछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियां ने रल के जो इंडिया के अंदर घड़मस मचा पिया वे एससी एसटी एक्ट के खिलाफ कोई नवी नीति तय की जा रही है, ज्यों दी त्यों भीम राव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कानून बनाया उस तरह बरकरार रहना चाहिए। साढ़े अज के लीडर भीम राव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नालों ज़्यादा सियाने नहीं है, सो इस गल नूं मुख लैके असी संविधान के नाल जिहड़ी छेड़छाड़ हो रही है वो खिलाफ इस रोस मार्च हिस्सा लिया और वक्त जब जथेबंदियों वालों मेमोरेंडम जो दिए गए उसे प्राप्त करके अज ही डीसी साहब के राही सरकार को भेज रहे हैं। जितों तक संविधान बचाओ संघर्ष कमेटी फलौर है, उन्होंने हमने मैं मेमोरेंडम दिता है और इन्होंने मैं विश्वास दवाना है कि इमीडिएटली असी डीसी साहब के राही सरकार को इन्होंने मंगा जोड़िया करेंगे। सर कोई सब डिवीजन कोई इदा दी अनसुखावी घटना तो नहीं हुई? जिन्हें भी सदियाँ कमेटी अच्छा रोस धरना किया गया वो बड़े ही उन्होंने सुचे ढंग शांतमय तरीके किया है और साड़ी सभी के बीच कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिस कोई किसी किस्म। जागती लड़के लिए फ्लोर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट।